बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जिस्म पे या जिल्द पे ख़ारिश हो, चाहे खुश्क ख़ारिश या फिंसियाँ हों, गर्मी दाने हों, एलर्जी खुजली हो, उसके लिए ये नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर किस्म की ख़ारिश, खुजली और दाने ख़त्म हो जाएंगे। तो बिल्कुल सादा सा नुस्खा है, आसान, इस पर आपकी बिल्कुल कोई कीमत भी नहीं लगेगी। आप जो कीकर पे जर्द पीले येलो कलर के फूल लगते हैं छोटे छोटे, वो उतार के ले आए एक मुट्ठी भर। ये फूल बड़े ही कारामद हैं, ख़ासकर ख़ारिश एलर्जी के हवाले से, और पाँव में, खसूसन पाँव की उंगलियों के दरमियान जो ख़ारिश बन जाती है ना, एलर्जी, उंगलियां दरमियान से गल जाती हैं और ख़ारिश होती है, उसके लिए भी बेहद मुफीद है। तो आप कीकर के येलो कलर के फूल लाएं, उनको 50 ग्राम तेल में डाल के अच्छी तरह आप उनको गर्म करें ताकि वो जल जाएं हल्की आंच पे। उसके बाद उतार के आप उसको ठंडा करके, तेल को, ये याद रखें, तेल को पुन के, छान के, ठंडा करके उसमें आपने थोड़ा सा मुशक काफूर, एक टिकिया बारीक करके, बिल्कुल बारीक, अच्छी तरह मिक्स कर दें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसको रात के वक्त, जहाँ भी ख़ारिश हो, एलर्जी हो, खुजली हो, चाहे बच्चों को हो या बड़ों को हो, तो रात के वक्त आप लगा दें। अगर पाँव की उंगलियों के दरमियान भी ख़ारिश है तो यही तेल इस्तेमाल करें। तो सुबह उठ के अच्छे साबुन से धो लें जिस्म को, 2-3 दफ़ा लगाने से इंशाअल्लाह पुरानी से पुरानी ख़ारिश भी, एलर्जी, फोड़े पिंसियाँ ख़त्म हो जाएंगे। दुआओं में याद रखें।